मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज बात करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशंस की। ठीक है, तो रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, इन सब की बात करेंगे। रेगुलर एक्सप्रेशंस क्या होती हैं, रेगुलर सेट्स क्या होते हैं, रेगुलर लैंग्वेज होती है उसके इक्विवेलेंट अगर रेगुलर एक्सप्रेशन को देखा जाए तो हो सकती है कि नहीं हो सकती, इन सब से रिलेटेड बात करेंगे। ठीक है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास DFA है तो DFA या फाइनाइट ऑटोमेटा, चाहे वो DFA हो या NFA, उसके रेस्पेक्ट में या उसके इक्विवेलेंट एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगी। ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन एक लैंग्वेज के इक्विवेलेंट होती है, मतलब आप बोल सकते हैं कि फाइनाइट ऑटोमेटा, रेगुलर एक्सप्रेशन, रेगुलर लैंग्वेज, ये तीनों इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन अगर मैं बोलना चाह रहा हूँ कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होती है, तो मैं बोल सकता हूँ कि एक मैथमेटिकल नोटेशंस की फॉर्म में अगर मैं लिखना चाह रहा हूँ किसी भी लैंग्वेज को, ठीक है, जहाँ पे वो जो सेट्स हैं, रेगुलर सेट्स हैं या स्ट्रिंग है जो लैंग्वेज से बिलोंग कर रहे हैं, वो सेट यहाँ से भी निकल के अगर अपन के पास आए तो मैं बोल सकता हूँ कि वो रेगुलर एक्सप्रेशन है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि रेगुलर एक्सप्रेशन कैन बी रिकर्सिवली डिफाइंड एज फॉलोज। ठीक है, जैसे एप्सिलन इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन, एप्सिलन एक खुद एक रेगुलर एक्सप्रेशन होता है, जिसकी अगर लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो एक ऐसी मशीन या एक ऐसी लैंग्वेज है जहाँ पर केवल और केवल एप्सिलन अलाउ हो रहा है, या एप्सिलन केवल एक स्ट्रिंग जनरेट हो रही है वो है एप्सिलन, यानी कि लैंग्वेज है मशीन की। यहाँ पर लिखा भी है कि लैंग्वेज ऑफ एप्सिलन इज इक्वल टू एप्सिलन। ठीक है, उसके बाद है फाई, फाई इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन डिनोटिंग एन एम्प्टी लैंग्वेज, यानी कि एल ऑफ फाई इज इक्वल टू फाई, एम्प्टी लैंग्वेज। अगर मैं एम्प्टी लैंग्वेज, अगर मुझसे कोई बोलता है कि अगर कोई एम्प्टी लैंग्वेज है उसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या है, तो आप लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रेसेस के अंदर आप खाली छोड़ दीजिए, ये इसका मतलब है कि ये जो लैंग्वेज है वो एम्प्टी है। ठीक है, एक्स इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन वेयर एल इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, अगर मेरे पास कोई एक्स एक रेगुलर, जो एक्स एक स्ट्रिंग है या रेगुलर एक्सप्रेशन है, तो डिनोट कैसे करूँगा, यानी कि एल इज इक्वल टू एल, जो एक्स है वो एल के इक्विवेलेंट होगी। इफ़ एक्स इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन, अगर मैं बोलता हूँ कि एक्स एक रेगुलर एक्सप्रेशन है डिनोटिंग द लैंग्वेज एल ऑफ एक्स, एंड बाई इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन डिनोटिंग द बाई, देन एक्स प्लस बाई, मैं बोल सकता हूँ एक्स प्लस बाई इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, करेस्पॉन्डिंग टू द लैंग्वेज एल ऑफ एक्स यूनियन एल ऑफ बाई, वेयर एल ऑफ एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू एल ऑफ एक्स यूनियन एल ऑफ बाई। अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ तो रेगुलर एक्सप्रेशन बन के आ जाएगी अपन के पास। अगर मैं बोलता हूँ एक्स, मैंने बताया कि एक्स मेरे पास एक रेगुलर लैंग्वेज है, बाई एक रेगुलर लैंग्वेज है, तो अगर रेगुलर एक्सप्रेशन अगर मैं निकालता हूँ, एक्स डॉट बाई इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन करेस्पॉन्डिंग टू द लैंग्वेज ये। ठीक है, उसके बाद मैं बोलता हूँ कि आर स्टार अगर मेरे पास है, आर स्टार इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन करेस्पॉन्डिंग टू द लैंग्वेज एल ऑफ आर स्टार। ठीक है, यानी कि उसके रिगार्डिंग या उसके इक्विवेलेंट एल ऑफ आर स्टार के इक्विवेलेंट रहेगी आर स्टार, वेयर एल ऑफ आर स्टार इज इक्वल टू एल ऑफ आर स्टार का स्टार। ठीक है, इफ बी अप्लाई एनी ऑफ द रूल्स सेवरल टाइम फ्रॉम 1 to 5 दे आर रेगुलर एक्सप्रेशन। जैसे मेरे पास निकल के आएगी, जैसे रेगुलर एक्सप्रेशंस हैं कुछ, यहाँ पे लिखा भी है कि रेगुलर एक्सप्रेशंस और रेगुलर सेट, 0 + 1 का स्टार है अगर मेरे पास, तो इसका एक्सपेंशन करूँ, उससे रिलेटेड स्ट्रिंग्स कौन सी बन के आएंगी, या उससे रिलेटेड कौन से रेगुलर सेट बन के आएंगी। ठीक है, तो वो है इस, यहाँ से अपन के पास बन के आएगा 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 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
के आएंगे और सेट इस तरीके से बनती रहेंगे, उसको अपन बोल देंगे एक लैंग्वेज। यानी कि लैंग्वेज क्या हो सकती है इसकी, यहाँ से पता चल ही रहा है आपको, ठीक है। ऐसी दूसरी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखी है कि 0 * 1 0 का स्टार, यानी कि एक ऐसी लैंग्वेज है जहाँ पे एक रेगुलर एक्सप्रेशन से समझ में आ रहा है कि इस लैंग्वेज में अपन के पास क्या है कि वन हर एक स्ट्रिंग में आएगा, ठीक है। वन हर एक स्ट्रिंग में आएगा, नंबर ऑफ जीरो कितने भी आए लेकिन वन हर एक स्ट्रिंग या हर एक रेगुलर सेट में मिलेगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एल इजिकल टू 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, डॉट डॉट डॉट, यानी कि सिंगल वन आएगा, एक स्ट्रिंग में केवल और केवल एक ही वन होगा, जीरो कितने भी हो सकते हैं। नेक्स्ट लैंग्वेज अपन के पास 0 + एप्सिलॉन और 1 + एप्सिलॉन, यहाँ से चार सेट बनेंगे रेगुलर सेट। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे epsilon.0.1.01, ठीक है। अगर मैं a + b का स्टार की बात करूं, यानी कि यहाँ से इसका मतलब क्या है कि सेट ऑफ स्ट्रिंग, यानी लैंग्वेज के टर्म्स में अगर मैं बात करूं इस रेगुलर एक्सप्रेशन की, तो क्या बनेगा, सेट ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ एज एंड बीज ऑफ एनी लेंथ इंक्लूडिंग द नल स्ट्रिंग, ठीक है। ये इसकी लैंग्वेज है। अगर लैंग्वेज को ऐसे लिखें एक फॉर्म में,
तो इस तरीके से लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू एप्सिलॉन डॉट ए डॉट बी डॉट ए डॉट ए बी बी डॉट बी ए बी ए, इस तरीके से, ठीक है। ए प्लस बी का स्टार ए बी बी, यहाँ से अगर एक रेगुलर लैंग्वेज है, रेगुलर एक्सप्रेशन है, इसकी रिगार्डिंग एक रेगुलर लैंग्वेज निकल के आ जाएगी और एक्सप्रेशंस निकल के आ जाएंगी, ठीक है। वन वन का स्टार है अपन के पास सपोज, ठीक है, तो वन वन के स्टार से यहाँ से लैंग्वेज में जो सेट बनेंगे वो इस तरीके से बनेंगे। तो जो वन वन का स्टार है ये क्या है, यहाँ पर एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, ठीक है। इसी तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे और भी रेगुलर एक्सप्रेशंस दी गई हैं, जैसे ए ए का स्टार है, बी बी का स्टार है, बी है, या इसका मतलब है लैंग्वेज के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, सेट ऑफ स्ट्रिंग कंसिस्टिंग ऑफ इवन नंबर ऑफ जी एज फॉलोड बाई ऑड नंबर ऑफ बी, सो एल इज इक्वल टू बी कॉमा ए ए बी कॉमा ए ए बी 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 कॉमा ए ए बी 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 कॉमा ए ए ए ए बी कॉमा ए ए ए ए बी 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 एंड सो ऑन, ठीक है। अगर नेक्स्ट मेरे पास रेगुलर एक्सप्रेशन है ए ए प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी बी का स्टार, यहाँ से आप देख रहे होंगे कि जो भी स्ट्रिंग बनेगी वो इवन लेंथ की स्ट्रिंग बनेगी, ठीक है, इवन लेंथ की बनेगी। आप हमेशा एक कहीं से भी उठाइए, डबल सिंबल उठाना पड़ेगा आपको, या तो डबल ए उठाइए, ए बी उठाइए, बी ए उठाइए, या बी बी, या सभी को उठा लीजिए एक साथ, कॉम्बिनेशन किसी का भी कॉम्बिनेशन बनाइए आप, लेकिन जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे कर दें बी बी बी, ठीक है, या इस तरीके से ले लें, आप एक साथ उठाना पड़ेगा, यानी एक सिंबल उठा रहे हैं आप तो एक साथ आपको यहाँ पर सब उठाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे लिखा है यहाँ पे, स्ट्रिंग ऑफ एज एंड बीज ऑफ इवन लेंथ कैन बी ऑब्टेन बाई कॉन्केटिनेटिंग बाई कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग ए ए ए बी बी ए एंड बी बी इंक्लूडिंग नल, सो एल इज इक्वल टू ए ए कॉमा ए बी कॉमा बी ए कॉमा बी बी कॉमा ए ए ए बी कॉमा ए ए बी ए कॉमा एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये इस तरीके से यहाँ से पता चलेगा आपको, ये रेगुलर एक्सप्रेशंस के बारे में अपन ने बताया कि रेगुलर एक्सप्रेशंस बेसिकली क्या होती हैं, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है, थैंक यू।